हेलो क्लास सेवन, हाउ आर यू? ओके वेल, यू विल बी फाइन. ओके नाउ लेट मी स्टार्ट चैप्टर ऑफ साइंस, चैप्टर वन, फूड. ओके, तो व्हाट इज फूड? एक्चुअली फूड इज सोर्स ऑफ एनर्जी. ओके, जो भी हम खाना खाते हैं वो हमें एनर्जी देता है, जिससे हम ऑल एक्टिविटीज इन द डे कर पाते हैं. ओके, तो बट मोस्ट ऑफ फूड वी ईट इज इनसॉल्युबल. ओके, तो फूड में यदि हम बात करें, ठीक है, तो वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड रफेस वॉटर. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस टर्म न्यूट्रिशन. ओके, व्हाट इज न्यूट्रिशन? एक्चुअली आपने देखा होगा कि हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन, हम लोग खाना खाते हैं और उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, दैट इज न्यूट्रिशन. ओके, टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजेशन. ओके, नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की यदि हम बात करें तो देयर आर टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ओके, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स फूड बाय सिंपलर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ओके, जब ऑर्गेनिजम्स सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना खाना स्वयं बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. इसमें हम बात करेंगे एग्जांपल, तो दैट इज ग्रीन प्लांट. अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि व्हाई ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, बिकॉज ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस एंड सिंपलर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स इन फोटोसिंथेसिस आर CO2, ओके, एंड CO2, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट. Okay, तो इनकी हेल्प से ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, सो ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ओके, फोटोसिंथेसिस के बारे में हम चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. आपने देखा होगा कि कुछ एनिमल्स या हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हम लोग डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए प्लांट्स पे या स्मॉल या कुछ अदर एनिमल्स पे, ठीक है. जैसे हम लोगों को जो कुछ प्लांट्स से फूड मिलता है, जैसे राइस है, व्हीट है, या वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, बाकी जैसे मिल्क है, एग है, वो हमें किससे मिलता है? एनिमल्स से. तो हम ये कह सकते हैं व्हाट इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक्चुअली द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. हम लोग अपने खाने के लिए या एनिमल्स अपने खाने के लिए ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं या प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, इसके अलावा एनिमल्स पर भी डिपेंड करते हैं. हम लोग अपना खाना सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से नहीं बना पाते. ओके, सो दिस इज
हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें एनिमल्स, एनिमल्स में हम लोग भी आते हैं, ह्यूमन बींग्स। ओके, नाउ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की फूड हैबिट्स के ऊपर यदि हम बात करें, जब फूड हैबिट्स के बेस पे यदि हम डिवाइड करें तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन, हर्बीवोरस एनिमल्स, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। ओके, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। ठीक है, हर्बीवोरस की बात करें तो ये प्लांट ईटर्स होते हैं। क्या है? प्लांट ईटर्स। ठीक है, तो एक्चुअली द एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। ओके, इसमें हम बात करें तो एलिफेंट, कुछ एग्जांपल्स की बात करें, एलिफेंट है इसमें। ठीक है, कैमल है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड हर्बीवोरस एनिमल्स। कार्निवोरस की बात करें तो द एनिमल्स विच ईट मीट ओनली, ये मीट ईटर्स हैं, मीट खाते हैं। ठीक है ना, इसके एग्जांपल्स की यदि हम बात करें तो लॉयन है, टाइगर है। ठीक है, ये कार्निवोरस है जो मीट खाते हैं। बट ओमनिवोरस द ऑर्गेनिजम्स विच ईट बोथ प्लांट एंड मीट आर कॉल्ड ओमनिवोरस। ठीक है, प्लांट एंड मीट बोथ, इसमें हम बात करें तो ह्यूमन बींग्स में है। ठीक है, ओके, ये क्या है? ओमनिवोरस है। ओके, डॉग है, दीज आर ओमनिवोरस एलिमेंट्स। ओके, तो एक बार हम समराइज कर देते हैं, न्यूट्रिशन टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। There are two types of mode of nutrition, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Okay, autotrophic nutrition, example green plants, and green plants make their food by simpler inorganic substances like CO2, water, chlorophyll, sunlight. Okay, heterotrophic nutrition, animals depend on their food, depend for their foods on animals and plants. They can't make their food by simpler inorganic substances like animals, we human beings, men. Heterotrophic nutrition को हम divide कर सकते हैं herbivorous animals, carnivorous, omnivorous, herbivorous plant eaters, example elephants, camels, camels, और भी बहुत सारे example हो सकते हैं, carnivorous which eat meat only, and example lion, tigers. ओमनिवोरस की बात करें तो प्लांट एंड मीट दोनों को ये खाने वाले होते हैं, एंड एग्जांपल मैन, डॉग, बहुत सारे एग्जांपल और हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम लोग एनिमल के प्रोडक्ट्स और यूज करते हैं। ओके, तो ये देखिए आप किस तरीके से, ये कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, जैसे ये मिल्क, ओके, और ये कर्ड है, एग्स हैं। ठीक है, तो ये एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। ओके, एंड ये पल्सिस दाल जो कि प्लांट से हमें मिलते हैं। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। ओके, थैंक यू।